मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बहुत ही क्रिस्पी पैटीज बने हैं, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू के क्रिस्पी पिनव्हील पैटीज। पिनव्हील पैटीज बनाने के लिए हमें चाहिए बॉयल आलू। मैंने एक पाव आलू लिए थे और उनको बॉयल करके अच्छे से मैश कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए सफ़ेद ज़ीरा, आधी चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, एक चम्मच कुटा हुआ अदरक, थोड़ा सा सब्ज धनिया, थोड़ी सी ग्रीन और रेड चिली, कुटी हुई लाल मिर्चें एक चम्मच, लाल मिर्ची का पाउडर आधी चम्मच, थोड़ी सी हल्दी, नमक हम टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधी चम्मच हमने ली है चाट मसाला पाउडर। डो बनाने के लिए हमने लिए है एक कप मैदा, थोड़ा सा नमक और दो चम्मच ऑयल। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। सबसे पहले हम मैदे में डालेंगे नमक और ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। डो को हम ना ही ज़्यादा पतला रखेंगे और ना ही ज़्यादा सख्त रखेंगे। डो को अब हम 5 मिनट तक अच्छे से गूंद लेंगे। अब डो हमारी रेडी है, अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इसको ऊपर से हम कवर कर देंगे। इसको 10-15 मिनट के लिए हम रख देंगे। पैटीज की स्टफिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, और इसको 1 मिनट तक गर्म होने देंगे। अब हम डालेंगे जीरा और अदरक, कुटा हुआ अदरक। ग्रीन और रेड चिली, सारे मसाले मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी।
अब इसमें बॉईल किए हुए आलू डालूंगी। और अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। हमने आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम डालेंगे सब्ज धनिया। मिक्स करेंगे। अब पैटीज की स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब डो भी हमारी रेडी हो गई है। एक दफा फिर हम इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे। और इसके अब हम छोटे छोटे बॉल बना के रख लेंगे। अब मैंने 3 बॉल बना ली हैं। अब मैं एक को उठा के अच्छे से बेलूंगी। बिल्कुल पतला इसको मैं बेल के रख लूंगी। मैंने इसको बिल्कुल रोटी की तरह बेल ली है। अब जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो मैं इसके ऊपर अच्छे से फैला दूंगी। हाथों की मदद से हम इसको फैलाएंगे। अब मैंने सारी स्टफिंग को अच्छे से फैला दी है। अब मैं इसको फोल्ड करूंगी आराम आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किनारों से हम स्टफिंग को अंदर करेंगे। और इसको अच्छे से दबा देंगे। और किनारों से भी हम अच्छे से इसको दबाएंगे ताकि स्टफिंग जो है वो बाहर ना निकले। अब इसकी कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक एक को उठाएंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसको रखते जाएंगे। पैटीज की कोटिंग के लिए हमने आधा कप मैदा लिया और इसको लिक्विड फॉर्म में बना के रख लिया। अब सबसे पहले हम पैटीज की मैदे में कोटिंग करेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे।
जब एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो दूसरी साइड को भी हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। पैटीज फ्राई हो गई हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बाकी की भी हम फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारे पिनव्हील पैटीज रेडी हैं, ये देखें। बहुत ही मज़े के ये पैटीज बने हैं। बहुत ही क्रिस्पी पैटीज बने हैं, ये देखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।